बाला लव, रीमा जरा अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड बताना, जरा जल्दी करो। मुकेश ने अपनी पत्नी से कहा, क्या आप भी ना हमेशा शक करते रहते हो, आपको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं रहा है। ये लो देख लो जो देखना है, रीमा ने अपना फोन फेंक कर मुकेश को दिया। थैंक यू मेरी जान, तुम ना हमेशा से मुझ पर गुस्सा तो करती हो लेकिन मेरा काम आसान कर देती हो। मुकेश ने फोन अपने हाथ में ले लिया। रीमा गुस्से से मुकेश को घूर के देखती रह गई और फिर नाराजगी में चादर उड़ी और मुकेश की ओर पीठ घुमा के लेट गई। मुकेश ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया और अपना काम पूरा कर लिया। गुस्से में लेटी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, माय डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम मेरे कितने काम आ रही हो, थैंक यू सो मच। आर्यन ऑनलाइन आ चुका था, उसने देखा अदिति भी ऑनलाइन है, वाओ ग्रेट, कितना बढ़िया मौका है, थैंक गॉड। आर्यन थे, बेब्स हाउ आर यू। कुछ देर बाद अदिति, ओ वाओ आर यू देयर। आर्यन, ये आई आज वेटिंग फॉर यू। अदिति, रियली? आर्यन, हाँ पता है तो हम कल मिल रहे हैं ना। अदिति, सॉरी बेबी, मैं यही बताने के लिए ऑनलाइन आई थी, एक्चुअली कल ना कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं आ पा रही हूँ, प्लीज यार बुरा मत मानना। आर्यन, लेकिन बाबू ऐसा क्या हुआ? अदिति, बस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाय, मैं अभी जा रही हूँ। व्हाट अ फक, इतनी मुश्किल से फसाया था, आने को भी रेडी हुई, अब अचानक से इसे हो क्या गया, कल तक तो एवरीथिंग इज फाइन डॉट डॉट। आर्यन अत्याधुनिक और फैशनेबल बड़े घर का बेटा था, वो मुकेश की बेटी अदिति का ऑनलाइन फेसबुक पर महीने भर पहले ही फ्रेंड बना था और कल स्कूल बंद करा के अदिति को फर्स्ट लाइन मीट के लिए खास जगह पर बुला रहा था और इसके अदिति ने हाँ भी कह दिया था लेकिन अंतिम क्षणों में उसने न कह दिया, इसकी वजह से आर्यन का मूड ऑफ हो गया था बिकॉज उसने अपने दोस्त विक्की से 10,000 की शर्त जो लगा रखी थी कि कल वो अदिति का अंडरगारमेंट्स में फोटो दिखाएगा, जबकि विक्की का मानना था कि इतनी जल्दी आर्यन ये सब नहीं कर पाएगा और अब आर्यन कल सुबह होने से पहले ही अपनी शर्त हार चुका था। हालांकि विक्की भी कोई और नहीं, आर्यन का ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड ही था। अब मुकेश भी अपनी पत्नी रीमा के साथ चिपक कर सो गया। सुबह उठा तो देखा उसकी वाइफ अभी भी रात वाली बात से गुस्सा थी। रीमा, आज अभी तक उठी नहीं हो तुम, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता और लंच भी तो पैक करना है तुम्हें, मुकेश ने प्यार से रीमा से कहा। नहीं करना पैक खाना, जाओ अपनी भरोसेमंद जो भी हो उससे करा लेना पैक, रीमा ने गुस्सा जाहिर किया। अब मुकेश दोबारा से वापस रीमा के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए किस करते हुए बोला, माय डार्लिंग मैं तुम पर शक नहीं करता, मैंने क्यों लिया था तुम्हारा फोन, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए रीमा ने आश्चर्य से मुकेश की ओर देखा और बोली, अच्छा तो आप सुबह सुबह मक्खन भी सही से लगा लेते हो। मुकेश ने एक बार फिर से रीमा को उसके होठों पर किस किया और बोले, नहीं मैं मक्खन नहीं बस प्यार बढ़िया से करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात में कितना दम है और अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो जो तुम कहोगी करूँगा। रीमा मुस्कुराए और मुकेश के गले लग के किश करने लगी। उद्धरण चिन्ह। अदिति अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, आज वो रोज से कुछ ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। अदिति बेटा चलो जल्दी, लेट हो रहा है, मुकेश ने आवाज लगाई। हाँ पापा आई, बस एक मिनट, अदिति ने फाइनल टचअप करते हुए कहा। जब अदिति बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों उसे देखते ही रह गए। उनके मुंह से अदिति की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य से इतना मेकअप और नई ड्रेस के लिए भी प्रश्न निकल गए। दरअसल पापा आज न स्कूल में एक सर का फेयरवेल है तो पार्टी है, इसलिए आज स्कूल ड्रेस मैंडेटरी नहीं है, अदिति ने एक प्यारा सा सोचा समझा झूठ बोला। मुकेश और रीमा एक दूसरे की ओर देखते ही रह गए। ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, मुकेश ने अपना ऑफिस बैग उठाया और गाड़ी निकलने चले गए। अदिति के स्कूल से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के बाद मुकेश अपनी ऑफिस की ओर चले गए। अदिति ने देखा कि पापा जा चुके हैं तो उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकला और मैसेज करने को फेसबुक लॉगिन किया। तब उसे पता चला आर्यन ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है, वो उसे न तो मैसेज और न ही कॉल कर पा रही है। अदिति परेशान पसीने पसीने हो रही थी, आखिर मुझसे गलती क्या हुई जो आर्यन मुझे ब्लॉक करके चला गया। अदिति का मूड इतना खराब था कि उसे कुछ नहीं सुझा तो उसने अपना फोन रोड पर दे मारा। शाम को मुकेश के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, खाना थालियों में डाला जा चुका था। अदिति बेटा कैसी रही स्कूल की पार्टी और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाए हुए हो, अदिति के पापा ने अदिति से पूछा। अदिति ने गुस्से से एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा।
इसका फोन टूट गया है आज रोड पर गिरने की वजह से। रीमा ने मुकेश की ओर देखा। टूट गया है या गुस्से में तोड़ा गया है? मुकेश ने खाने की बाइट ली। रीमा और मुकेश ने एक साथ अदिति से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी अदिति ने कुछ नहीं बताया। रीमा, अदिति तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा और हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो कुछ? क्यों डांट रही हो रीमा उसे? इस उम्र में ये सब होना स्वाभाविक है। दरअसल इनके स्कूल में न तो कोई फंक्शन था और न प्रोग्राम पार्टी। इन्हें अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन इन टाइम पर वो इन्हें ब्लॉक करके चला गया। मुकेश ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? अदिति ने अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हुए पूछा। बेटा, हम आपके पापा हैं। तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि तुम न तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और न ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारे लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे और ये बात तुमने हमसे छुपा ली थी। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, और पाया कि तुम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया छोटा तुम्हारी उम्र का ही विक्की। व्हाट पापा, कौन विक्की? मैं किसी विक्की को नहीं जानती, अदिति ने तपाक से कहा। हाँ, लेकिन तुम आर्यन को तो जानती ही हो ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं सर हिलाते हुए अदिति ने फिर से पापा की ओर देखा। विक्की भी आर्यन का फेसबुक और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। मुकेश ने एक स्माइल करते हुए अदिति के सर पर हाथ फेरा। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी बेटा, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक एडल्ट एडिक्टेड लड़का है जो तुम्हारे साथ स्कैंडल करने की फिराक में था। ये सब बातें रीमा सुनकर बेहोश होने वाली थी। इतना सब चलता रहा ना तो तुमने मुझे और न ही अदिति को कुछ कहा? फिर भरोसा दिलाने के लिए मुकेश ने अदिति और रीमा को आर्यन और विक्की के आपस में शर्त वाली पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर अदिति शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, आपसे मैं फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपके और हमारी फैमिली की इज्जत पर आंच आए। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो, कहते हुए अदिति अपने पापा के गले से लग गई। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मुकेश ने कहा, मैं अपने बेटा से कभी नाराज था ही नहीं, मैं तो बस एक छोटी सी जासूसी करके उसकी की हुई गलती से आंखें खोलने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शॉक्ड रीमा अपने पति और बेटी की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। इतना सब इतनी आसानी से हो रहा था। तभी मुकेश ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था, तुमने भी पूरी मदद की है। रीमा आश्चर्य से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने नाराज होकर मेरी हेल्प की। तुम्हारे फोन से मैंने अदिति को आईडी जुगाड़ करके ओपन की और न आने के बारे में लिख दिया। बस यही मूव तुम्हारी मदद से किया। अब रीमा भी समझ गई थी कि मुकेश क्या कहना चाह रहे हैं। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे से इंटरनेट और सोशल मीडिया को सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी गड़बड़ के लिए केवल बच्चों को ही दोषी न माने, खुद की जिम्मेदारी को समझे और आज के इंटरनेट के जमाने में बच्चों को समय दें। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जांचते परखते रहे कि बच्चे लैपटॉप और टैबलेट में पढ़ भी रहे हैं या फिर दूसरों के मनोरंजन के साधन तो नहीं बनते जा रहे। थैंक यू ऑल, आई होप आप लोग समझने की कोशिश जरूर करेंगे और मेरे मैसेज को आगे तक जरूर फैलाएंगे।